आते हैं। सुनील कुमार साहब नई दिल्ली से जुड़ गए हमारे साथ। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका। अभी तो राजधानी में गर्मी वैसे भी है और अब तो राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। इस बीच आपने क्या खरीदा है आप हमें बताएं। हाँ जी मेरे पास जो है ना जी 200 शेयर टीडी पावर ले रखे 137 रुपए में और यूनिवर्सल केबल वो ले रखा है 100 शेयर 276 रुपए में। ठीक है जी दोनों पे सलाह ले लेते हैं। यूनिवर्सल केबल्स और टीडी पावर दोनों ही जगह आपके पास बढ़िया वाला हरा निशान यानी कि आपको फायदा हो रहा है। पहले टीडी पावर की बात कर लेते हैं जहां 200 शेयर आपने रखे 137 के भाव पर। तो रवि साहब यहां पर इनको प्रॉफिट है करीब अच्छा 180 रुपए से ज्यादा का, क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात तो इस समय दोनों ही स्टॉक इनके अच्छे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कल शाम को यानी कि कल जब ट्रेडिंग का 3:30 बज रहा होगा तो आप इसमें से 35% प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। यानी आपके पास 200 शेयर हैं तो यहाँ पर 60 शेयर काट के जाइए और जो दूसरे टीडी पावर के और दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो उसमें भी अब अपसाइड देखिए अभी मोमेंटम हो सकता है 325 और 330 के पास आके ये स्टॉक थकता हुआ टीडी पावर नजर आएगा और एक बार डिप मारेगा कम से कम 295 रुपए की, तो जो आप 60 जो थोड़े से स्टॉक काटेंगे उनको दोबारा ले सकते हैं। लंबा टारगेट देखते हैं तो 350 है, तो इतनी लंबी रैली हो चुकी थोड़ा मुनाफा वसूल ले, वैसे ही डर इतना बढ़ता जा रहा है। दूसरे स्टॉक की बात करें वो तो फिलहाल आप मल्टीबैगर की तरफ बढ़ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यूनिवर्सल केबल का ट्रेंड यहाँ पर स्ट्रांग है, तो आप इसमें अगर मुनाफा बुक करेंगे तो वापस से 620 630 के पास ले लीजिए और नहीं भी बुक करेंगे तो 750 का जब सफर पूरा होगा तो वापस से CNBC आवाज पे एक बार दोबारा पूछ लीजिएगा। अपसाइड टारगेट 750, लोअर साइड स्टॉप लॉस 640 रुपए का रखिए और अगर दोबारा खरीदारी करनी है तो 640 और 620 के पास खरीदारी करिएगा। चलिए जी तो दोनों ही टीडी पावर और यूनिवर्सल केबल में आपको मुनाफा थोड़ा मुनाफा बुक करने के लिए कह रहे हैं और यूनिवर्सल केबल या टीडी पावर में आप इसे होल्ड कीजिए 350 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा 1/3 मुनाफा बुक करने के बाद। यूनिवर्सल केबल में भी वही सलाह और 750 रुपये के टारगेट के लिहाज से थोड़ा 640 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, थोड़ा थोड़ा मुनाफा ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए जी ये तो हो गई सलाह टीडी पावर और यूनिवर्सल केबल्स पर। अब हमारे अगले कॉलर हैं प्रवीण सावरकर साहब जो कि बैतूल से हमें कॉल कर रहे हैं। प्रवीण जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार। सर मेरे पास वैभव ग्लोबल के 100 शेयर है 493 के भाव पे और नार स्पिनिंग है शेयर 200 शेयर 309 के भाव पे। सर लॉन्ग टाइम व्यू है मतलब समय भरपूर अपने पास में, कोई जल्दीबाजी नहीं है सर दोनों शेयर में। अच्छा दूसरा वैभव ग्लोबल तो हो गया, दूसरा आपने क्या बताया सर? शेयर है 309 के भाव पे सर। सॉरी आपकी आवाज कट गई, दोबारा एक बार बोले सर। नाहर स्पिनिंग 200 नाहर स्पिनिंग ओके स्पिनिंग 200 शेयर और भाव आपने 309 सर। ठीक है चलिए पहले आपका वैभव ग्लोबल, यहाँ पर आपको 184 रुपये का लॉस हो रहा है जो जिस प्राइस पर आपने लिया है 493 पर, क्या करना होगा रवि जी इसमें? देखिए अभी मैंने 5 स्टॉक्स आपको दिए हैं और पांचों वो पांडव हैं जो कि पूरे युद्ध को पार लगाएंगे, कोई भी स्टॉक पे स्विच कर लीजिए। इनफैक्ट आपके वैभव की बात करें या फिर नाहर स्पिनिंग की बात करें दोनों स्टॉक में इस समय निकल जाने की राय है और जिन स्टॉक्स को मैंने दिया है अगर आप गौर करेंगे तो उनमें ज्यादातर स्टॉक्स जो है ना वो सस्ते हैं, मतलब एक कॉनकॉर को छोड़ के बाकी सब देखिए तो 100 रुपए के पास हैं 100 रुपए के नीचे हैं। मुझे लगता है वहां थोड़ी क्वांटिटी खरीद दीजिए, लॉस की रिकवरी भी हो जाएगी, अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इन स्टॉक्स में वापस से गिरावट के ट्रेंड बन सकते हैं और आपको लोअर साइड के लेवल्स फिर से देखने को मिल सकते हैं। नाहर स्पिनिंग को भी देखते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इस स्टॉक में एक गिरावट का ट्रेंड है। 210 रुपए का टारगेट दिखेंगे, इस समय 249 रुपए चल रहा है, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, सेफ स्टॉक में चलें सर, स्विच कर लें, स्विच करेंगे जल्दी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, पोर्टफोलियो में चमक बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो पेन में रहेंगे और बार बार चैनल बदल बदल के पूछते रहेंगे अब इन स्टॉक्स में क्या करें। तो प्रवीण साहब आई थिंक बहुत सीधी साफ और सच्ची सी सलाह है, आप दोनों स्टॉक्स में से निकलने के लिए रवि साहब बोल रहे हैं, रीजन उन्होंने आपको बता दिए, बाकी 5 स्टॉक
पीटीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसजीवीएन, कॉनकॉर और आईओसी, ये हम प्रोग्राम में पहले बता चुके हैं, अभी भी स्क्रीन पर आपके सामने चल रहे हैं। प्लीज नोट कीजिए टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ, और उसमें से जो आपको ठीक लगता है, जिसमें आपका मन लगता है, जैसे उन्होंने कहा पांच पांडव है तो इन पांचों में ही जिताने की क्षमता है, तो आप दो चाहे दो चुने, पांच चाहे पांच चुने, आपके ऊपर है, लेकिन आपके मौजूदा दोनों स्टॉक से निकलने की सलाह यहाँ पर है। आगे बढ़ जाते हैं, पिंकू कुमार हैं अब हमारे साथ एक बार फिर से, दिल्ली से कॉल है। पिंकू जी स्वागत है आपका, प्लीज बताएं क्या पूछना चाहेंगे। सर नमस्कार, मेरे पास सर आईआरसीटीसी के 25 शेयर है 252 रुपए की एवरेज प्राइसिंग पे, और सर वोडाफोन आइडिया भी है मेरे पास 500 क्वांटिटी 10 रुपए के एवरेज क्वांटिटी पे, तो सर कोई जल्दीबाजी नहीं है, आई विल होल्ड ऑन 3-4 इयर्स, मतलब 2-3 साल का है मेरा, तो इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसके लिए मैंने हेल्प चाहिए जी। पिंकू साहब, तो आईआरसीटीसी में तो जहां आपने खरीदा है उसमें बहुत बढ़िया आपको 700 रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, रवि जी बताएंगे कि क्या करना है इसमें, थोड़ा निकालना है, रखना है और बढ़ेगा, रवि साहब आईआरसीटीसी में क्या करें? पिंकू देखिए, फिलहाल इन्होंने आईआरसीटीसी काफी अच्छे लेवल पर लिया हुआ था, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब एक भाई चल चुका हो, रुकने की तैयारी कर रहा हो, तो दूसरे भाई की तरफ मूव कर जाएं, आप 100% ना करें, लेकिन 50% स्टॉक्स यहां पर बुक कर लें। लंबा समय है, बिल्कुल सही है, पांच साल रखेंगे, लेकिन इन 3-5 सालों में 2-3 मल्टी बैगर और खड़े हो जाएंगे। मैं आपको काउंटर चेंज नहीं कराऊंगा, लेकिन सेम काउंटर पे रखूंगा। तो आपके सामने पहला ऑप्शन है इरिकॉन, इस समय चल रहा है 249 रुपए, ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, ये भी क्षमता रखता है कि 500 रुपए हो जाए। दूसरा एक स्टॉक है टेक्स रेल, 181 रुपए चल रहा है, क्षमता रखता है कि वो 300 रुपए के आंकड़े को छू सके। तो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा आप पूरा काट लीजिए, लेकिन जो 50% काटिए वो बांट दीजिए कि भाई हम एक लकड़ी से लड़ाई नहीं कर सकते, 3 लोगों से अब और लड़ाई करेंगे और अच्छे अचीवमेंट रखेंगे। तो मुझे लगता है आप इन दोनों को और ऐड कर लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। रही बात आईआरसीटीसी की, 1000 के ऊपर क्रॉस कर पा नहीं रहा, 1200 से ऊपर जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन 50% करिए, टारगेट थोड़ा लंबा रखिए और चेंज कर लीजिए पोजीशंस को जी। तो चलिए थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ, 50% आईआरसीटीसी में आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और उस 50% में जो रहेगा इरकॉन और टेक्स रेल, ये दो शेयर आपको बताए रवि साहब ने विद द डिटेल्स, टारगेट कितना, आगे क्या उसमें स्कोप देख रहे हैं, वो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। दूसरा रवि जी, इन्होंने वोडाफोन में पूछा था, बड़ा वोलेटाइल मामला रहता है वहां का, लेकिन फिर भी उसमें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, जैसा वोडाफोन का तो कुछ ऐसा ही हाल है जैसा कल 2 दिनों में हमने जो है वो पार्टी में आपको देखा, पॉलिटिकल जो दिखाई दे रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि अब बस इसकी चाल थकती हुई नजर आएगी। 17 रुपए के आसपास आता है, बुक कर लीजिए, 13 रुपए का इंतजार करिए, अगर आया तो लेंगे, नहीं आया तो प्रॉफिट बुक करे रखेंगे तो खुश रहेंगे। अगर आप सोचेंगे कि इन जगह पे पकड़ लूं, तो सिर्फ पकड़ने की कोशिश करेंगे और जब गिरेंगे तो चोट बहुत गहरी लगेगी। और फिलहाल इन स्टॉक्स में एक सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है विपिन जी, कि आप स्टॉक मार्केट पे बने जरूर रहते हैं, भले आपको प्रॉफिट आए या चिंताएं आए, और दोनों ही चीजें ये देता जरूर है। ठीक है जी, तो ये रही वोडाफोन आइडिया पर सलाह, गहरी चोट लेकिन गहरी सलाह भी, दोनों बातें उसमें आ गई। तो ये अब हम छोड़ देते दर्शकों पर कि वो इस सलाह को कैसे लेते हैं, क्या हो सकता है, रवि जी ने आपको बता दिया। राइट।